हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ऑफिस से आके चली गई मैं खाना बनाने। आज बाजार जा सकती थी लेकिन गई नहीं। मन नहीं क्या, सोचा घर में जो सब्जी है उसे पका लेती हूँ। पिछले हफ्ते ये अरबी खरीदी थी, सूख जा रहा है, सोचा पका लूँ। इसे कई तरह से बनाया जा सकता है लेकिन मुझे सब्जी खाना था, सोचा सिंपल तरीके से नमक हल्दी जीरा ये सब दे के बना लेती हूँ। ये मैंने अरबी काट लिया, मैंने थोड़ा सा आलू भी दे दिया इसमें, साथ में हरी मिर्च भी काट रखी है। ये सब्जी बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड है लेकिन मुझे अच्छा लगता है। ये कई तरीके से पकाया जा सकता है, ये मछली में भी दे सकते हैं, ऐसे सब्जियां भी कर सकते हैं, और भी कई तरीके हैं। बंगाली लोग इसे सिलबट्टे में पीस के साथ में नारियल और सरसों दे के एक डिश बनाते हैं, वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाने में। इसके पत्ते डंठल सभी मुझे अच्छा लगता है। इसके पत्ते डंठल बंगाली लोग काफ़ी खाते हैं, तरह तरह के मछलियाँ दे के पकाते हैं और काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं। बहुत दिन से खाना पकाते पकाते बोर हो गई, अभी सोच रही थी, कल ही सोच रही थी मैं, जब मम्मी आने पर मैं एक कुक रख दूंगी, खाना पकाने वाली मौसी। मैं बहुत दिन से मम्मी को बोल रही थी, मम्मी किसी को रख दो खाना पकाने के लिए, लेकिन मम्मी को पसंद नहीं आता। मम्मी बोलती है दिन भर मैं क्या करूंगी, टाइम पास कैसा होगा। मैं बोलती हूँ टाइम पास करने के लिए और भी तरीके हैं लेकिन वो मानती नहीं। दो दिन से यहाँ बहुत ही गर्मी है, एसी के बगैर रहा नहीं जाता, खास करके निष्ठु को तो एसी बहुत ही पसंद है। ये परसों मैंने धनिया और जीरा को थोड़ा सा रोस्ट करके रखा था, वही दे रही हूँ। रोस्टेड मसाले की खुशबू मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जिसमें भी तो वो स्वाद दुगनी हो जाती है। अरबी काफ़ी हद तक सूख गया था इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है और ऊपर से पानी भी ज़्यादा देना पड़ रहा है। अभी ऐसा लग रहा है प्रेशर कुकर में देने से अच्छा था। इसके बाद मैंने इसे ढक दिया था। कोई भी सब्ज़ी ताज़ा खाना और ड्राई होने पर खाने पर बहुत ही फर्क आ जाता है टेस्ट में। अभी देखने पर सब्जी को कुछ खास नहीं लग रहा है लेकिन ये रोस्टेड मसाला देने पर इसका स्वाद बहुत ज़्यादा हो गया था, दुगनी स्वाद हो गई थी इसकी। अरबी के अगर आप लोग कोई प्रोसेस और भी जानना चाहते हैं या जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। सब्जी होने पर मैंने सोचा और कुछ बनाया जाए, तो सामने देखा अंडा पर है तो उसका ऑमलेट बना लेती हूँ। खाने में विटामिन के साथ साथ प्रोटीन भी होना ज़रूरी है, तो प्रोटीन के लिए कुछ ना कुछ तो खाना चाहिए, दाल, मीट, मछली या अंडा, जो भी हो। जहाँ मैं रहती हूँ उधर पे सब्जियाँ और मीट तो अच्छी मिल जाती है लेकिन मछली कुछ खास नहीं मिलता। मीट हम लोग डेली नहीं खाते लेकिन मछली तो डेली खाते हैं, इसलिए मछली अच्छा नहीं मिलने पर मुझे मछली के बगैर रहना पड़ रहा है। फिर भी मुझे मछली का उतना चाव नहीं है, मेरे दीदी और भाई तो काफ़ी मछली के बगैर रह ही नहीं पाते। खाने के बाद मुझे मीठा बहुत ही पसंद है, तो चटनी तो नहीं थी लेकिन वो आम, मीठा आम था, वो काट लिया मैंने। आम का कोई भी चीज़ हो, मैंगो पुडिंग, मैंगो शेक, रॉ मैंगोस, सब के सब मुझे पसंद है। लीजिए मेरा खाना तैयार है, मैं खा चुकी हूँ। इसके बाद निष्ठु भी खा चुका, अभी उसको रेस्ट की ज़रूरत है, वो अभी एसी चलाकर रेस्ट करेगा।